अन्य राज्यों से ज्यादा मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी और ट्रक ड्राइवरों के साथ गाली गलौज व मारपीट का आरोप लगाते हुए ट्रकों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश ट्रक ऑपरेटर फेडरेशन के जिलाध्यक्ष हाजी अपना सगीर खान ने लोगों को इकट्ठा कर एक आंदोलन किया, जिसमें झांसी, जालौन, कानपुर और मध्य प्रदेश व अन्य जिलों के प्रदेशों के संगठन के मददकारियों ने वहां पहुंचकर लोगों ने एक सुर में अपनी आवाज और अपनी मांगों को रखा। सर, एक तो हमको ये मांग है, सबसे पहली मांग है, ये गाड़ी जो हमारी आती है, गाड़ी के कागज जो सही होते हैं, ओवरलोड नहीं चलती है, अंडर लोड होती है, तीन तीन चार चार प्रांत से आती है, वो पांच पांच प्रांत और जाती है। हमारी गाड़ियां महाराष्ट्र से लेके आसाम और सुकिया गुवाहाटी तक जाती हैं। यहाँ किन मांगों को लेके आपने? यहाँ पे तो हमारी मुख्य मांगे तीन मांगे। पहली मांग है, ये गाड़ी जो हमारी आती है, गाड़ी के कागज जो सही होते हैं, ओवरलोड नहीं चलती है, अंडर लोड होती है, तीन तीन चार चार प्रांत से आती है, वो पांच पांच प्रांत और जाती है। हमारी गाड़ियाँ महाराष्ट्र से लेके आसाम और सुकिया गुवाहाटी तक जाती हैं। यहाँ किन मांगों को लेके आपने? यहाँ पे तो हमारी मुख्य मांगे तीन मांगे हैं जी। पहले तो यहाँ पे गाड़ियों को चेकिंग किया जाए, अगर कागज़ नहीं है तो आप बस रोक सकते हैं, कागज है तो गाड़ियों को जाने दिया जाए। दूसरी मांग ये है डीजल को लेके, मध्य प्रदेश सरकार ने इतना डीजल बढ़ा दिया कि हम लोग आत्महत्या करने को तैयार हैं ये सरकार में। और उत्तर प्रदेश में 10 रुपये लीटर कम है, महाराष्ट्र में चले जाओ कम है। मध्य प्रदेश सरकार के लिए ये ऐसा क्या विपता आ गई है, दिल्ली में अभी केजरीवाल सरकार ने 10 रुपया लीटर सस्ता किया, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर सकती? हमारी सरकार से वो प्रार्थना है कि वो कम करे। मोटर मालिक 25-25 लाख की गाड़ी लेकर वहाँ से आता है और किस्त नहीं देता तो गाड़ियाँ खिंच जाती हैं, और जब डीजल नहीं होता तो ट्रांसपोर्ट डीजल वाला डीजल नहीं। लोगों ने आज चक्का जाम किया, और किन मांगों को लेकर आपको ज्ञापन सौंपा? ट्रक एसोसिएशन के द्वारा जो सिकंदरा बैरियर पर ज्ञापन सौंपा गया है, विशेष रूप से इनके तीन चार मांगे हैं। आरटीओ बैरियर बंद किया जाए, इनके चालकों को विशेष सुविधाएं, एलआईसी संबंधित और उनके बीमा से संबंधित है, उसके बाद डीजल के दामों के बारे में और भी कई प्रकार की इनकी समस्या अवगत कराई है। खासकर इन्होंने अवैध वसूली को लेकर एक बात कही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि हर ट्रक वाले से 1,000 रुपये की वसूली होती है? ऐसा तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, लेकिन इस संबंध में तो ये जांच का विषय है, और ये मेरे स्तर पर और पार्टी स्तर पर इसका निराकरण संभव नहीं है। शासन स्तर पर चूँकि निर्णय होना है, इसलिए सर चक्का जाम का लोग कार्यक्रम तो क्या है? चक्का जाम का कारण यही है कि ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय या इनकी जो समस्याएं हैं गाड़ी से संबंधित, जो मांगे हैं, मुद्दे हैं, उनकी उन कारणों से ये यहाँ आए और उनकी बातों को सुना, और उनके शासन स्तर पर हम चर्चा करेंगे। लग रहा है वो लगना नहीं चाहिए, इसलिए जब हम यात्री कर और देते हैं रोड टैक्स, गुड टैक्स, तो फिर टोल प्लाजा का क्या मतलब हुआ लेने का? और डीजल के रेट तो ऐसे आसमान छू रहे हैं, सब प्रदेशों में 10 रुपये लीटर कम हो गए, मगर एक सिर्फ ऐसा मध्य प्रदेश है
यहाँ के 10 रुपए डीजल का 20 रुपए भी कम करते हैं तो कम है। और ड्राइवरों का हमारा जो कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है उसका बीमे का भी मांग है हमारी, जो सरकार द्वारा कि ये बीमा किया जाए, जो ड्राइवर कोरोना की चपेट में आ जाए, गाड़ी में आ जाए, तो उनके लिए क्या सिक्योरिटी है सरकार की। हम सरकार के लिए माल ढो रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, ड्राइवर हमारी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, हम क्या करें, हमारे ड्राइवर क्या करें, कैसे पालन पोषण होगा उनका। में बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल को लेकर ट्रक ऑपरेटरों ने एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि शीघ्र ही डीजल और पेट्रोल को सस्ता किया जाए और हमारे ट्रक ड्राइवरों को भी सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि हम लोग अपने ट्रक को आसानी से चला सकें और हम लोगों को जो परेशानी मिल रही है उससे निजात दिलाया जाए, जिसको लेकर उन्होंने एक